बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाने लगे हैं माश की दाल। ये माश की दाल हमने एक प्याली ली है, तकरीबन आधा किलो। ये लहसुन और प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ है। ये हमारे पास मशीन है, उसमें हम बना लेते हैं इसका पेस्ट। और साथ में जीरा, सूखी मेथी और गरम मसाला पिसा हुआ, और नमक, हल्दी, लाल मिर्च एक एक चम्मच हमने लिया। अब हम इसमें ये हमने तेल डाला है। अब हम इसमें ये जो मसाला बनाया है ये डालेंगे। ब्राउन हो जाएगा ना, फिर हम इसमें ये बाकी मसाले हैं ना डालेंगे। ये देखेंगे, ये अब हमने मसाला जो है ना भून लिया। अब हम इसमें डालने लगे हैं ये लाल मिर्च, हल्दी और नमक। साथ इसमें डालेंगे डालने के साथ साथ ये हम कर देंगे मसाला है ना, जीरा, मिर्ची और गरम मसाला। ये हमारा मसाला हो गया तैयार। अब हम थोड़ी सी कलौंजी डालने लगे हैं। हम अब कलौंजी डाल दिए और साथ में हम ये जो दाल हमने भिगो के रखी थी ना ये डालने लगे। दाल हमने इसमें डाल दी है, ठीक है। दाल को ज़्यादा भूनना नहीं, इसलिए कि ये सख्त हो जाती है, फिर गलती नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, साथ ही पानी डाल देंगे। ये देखिए पानी हमने डाल दिया। ये तकरीबन जो है ना आधे घंटे में तैयार हो जाएगी। ये देखिए जी, ये हमारी दाल माश की तैयार हो गई है। ये देखिए अच्छे से तैयार हो गई है। ये हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये अच्छे से तैयार हो गई है माशाल्लाह। ये देखो कितनी अच्छी बनी है। आप इसे ना रोटी के साथ खा सकते हैं और इसका जायका चखें और अपने घर में ट्राई करें और अच्छे से खाएं, सबको खिलाएं। चलो जी।